प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को खाने पीने का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो जो भी खाएंगे उसका असर उनके बच्चे पे पड़ता है। तो मैं डाइटिशियन आरती भसीन आपको ऐसी चीजें बताऊंगी जिसका प्रयोग प्रेग्नेंट वुमेन को जरूर करना चाहिए। अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप कर लें और मेरे नए वीडियोस को सबसे पहले देखते रहें। केसर का दूध पिएं, देसी घी जरूर खाएं, इससे डिलीवरी के टाइम आपको हेल्प मिलेगी और बेबी का जो डेवलपमेंट है वो भी बहुत अच्छा होगा। ऑरेंजेस में विटामिन सी बहुत अच्छा होता है, जिससे कि इम्यूनिटी अच्छी होती है और इसमें फाइबर भी इतना अच्छा होता है कि उससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। कोकोनट को इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में, क्योंकि कोकोनट वाटर जो है वो डिहाइड्रेशन नहीं होने देता और कोकोनट जो है वो मॉर्निंग सिकनेस में आपको मदद करेगा। एग्स जो है वो बहुत ही अच्छे प्रोटीन का सोर्स होता है और उसमें काफ़ी और भी अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये बेबी की डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प करता है। नट्स में आप बादाम को रात को भिगो के रखिए, आप दूध के साथ भी ले सकते हैं और इसमें प्रोटीन, विटामिन ई, कैल्शियम बहुत अच्छा होता है, जिससे कि बेबी का जो ब्रेन डेवलपमेंट है और नर्वस सिस्टम है वो बहुत अच्छा हो जाता है। प्रेगनेंसी में क्या ना करें वो मैं अब आपको बताऊंगी। सबसे पहले अनार नहीं खाना चाहिए। अनार वैसे तो बहुत ही अच्छा आयरन का सोर्स होता है, लेकिन जो उसके सीड्स होते हैं वो मिसकैरेज का खतरा बनाए रखते हैं। और जो ग्रीन टी है वो भी ज़्यादा ना पिए, क्योंकि वो गर्म होती है और वो नुकसान दे सकती है। लौंग, कॉफ़ी, अंजीर, एस्प्रिन भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे ब्लीडिंग होने का खतरा होता है। पपीता में पेपरिन, पपाइन एसिड होता है जो कि नेचुरली मिसकैरेज करता है। पाइनएप्पल में भी एक एंजाइम होता है जिससे कि मिसकैरेज होने का खतरा होता है, तो पाइनएप्पल को भी अवॉइड करें। अब आते हैं आज के टिप पे। गर्म तासीर वाली चीज़ें कम खाएं, जैसे अखरोट, पिस्ता, इलायची, मेथी दाना जैसी चीज़ें कम लें। और प्रेगनेंसी में खुश रहें, स्ट्रेस और एग्जर्शन से दूर रहें। हैप्पी प्रेगनेंसी।